और खबर यूपी के शाहजहांपुर जिले से है, जहां थाना निगोही क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते जीजा ने साली को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे साली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीजा घायल हो गए, जिनको अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना पर एसपी ने मौके का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र के गांव तिंदुलिया निवासी मुकेश यादव का अपने ही छोटे भाई धीरेंद्र की साली रमा यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुकेश के छोटे भाई धीरेंद्र की शादी जनपद लखीमपुर के थाना मोहम्मदी क्षेत्र के गाँव परसपुर में लक्ष्मी के साथ हुई थी। सोमवार को लक्ष्मी के चचेरे भाई छोटू यादव की परसपुर गांव में शादी थी। मुकेश के परिजन शादी में गए हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान रात में किसी समय मुकेश अपने छोटे भाई की साली रमा को बाइक से अपने गांव ले आया और गांव के बाहर बादाम सिंह के बग्गर में बने कमरे में ले जाकर रखा। मंगलवार सुबह बादाम सिंह का पुत्र अजमेर सिंह जानवरों को चारा डालने के लिए गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था और कमरे के अंदर से कड़हारने की आवाज़ आ रही थी। उसने रोशनदान से अंदर झांक कर देखा तो मुकेश और रमा खून से लथपथ पड़े थे। रमा की मौत हो चुकी थी और मुकेश की सांस चल रही थी। परिजन दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने मुकेश को भी मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मुकेश ने भाई की साली रमा की हत्या करने के बाद खुद को भी तमंचे से गोली मारी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये कनिका नदी की पता है कि प्रेशर आ ही गया। अब ये जो सवेरे चारा डालना है तो ये एक तरह से मिला थे लगी आवाज एक बार देख बंदर बंद है तो गेटगरी को तो रखा दो रखा देने के बाद तब जो है दोनों परे मिले आज सुबह ओमकार सिंह यादव जो भी ग्राम तिंदुलिया था निगोही रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर सूचना दी। इनके घर पास इनके घेर में इनके कमरे से इनके बड़े बेटे मुकेश यादव और इनके छोटे बेटे धीरेन्द्र यादव की साली रामा जो 20 साल की है और लड़का इनका मुकेश यादव जो 30 साल का अविवाहित है, ये उसमें मिले थे। मुकेश यादव घायल अवस्था में था जबकि रामा यादव की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों गोली लगी हुई थी। अंदर से आवाज़ आ रही थी कराने की। सूचना पर इनके भतीजे जो कि पहले मौके पर आए थे, उन्होंने दरवाजा इसको तोड़ा। उन दो घायल अवस्था मिला इनका पुत्र और लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। इनको एम्बुलेंस उन्होंने भेजा हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल की भी मृत्यु हो गई है। दरवाजा अंदर से बंद था और दोनों ने खुदकुशी की है। इसमें अन्य प्रकरण की जांच की जा रही है, इनकी जो क्या संबंध थे और क्या कारण था, इसमें जाँच में प्रचलित है।